जैन दोस्तों आज के में हम आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2023। दोस्तों आपका अप्रैल कक्षा 10वीं और 12वीं का वार्षिक परीक्षा 2023 का यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो गया है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं की आपको दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2023 प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक चलने वाली है। और यहाँ पर कक्षा 10वीं का पहला पेपर बुधवार के दिन यहाँ पर 1 मार्च 2023 को हिंदी का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन 3 मार्च 2023 को उर्दू का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर मंगलवार के दिन 7 मार्च 2023 को सामान्य ज्ञान सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर शनिवार के दिन 11 मार्च 2023 को गणित मैथ्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों मंगलवार के दिन 14 मार्च 2023 को संसद का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन 17 मार्च 2023 को अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर सोमवार के दिन 20 मार्च 2023 को विज्ञान साइंस का पेपर होने वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर शनिवार के दिन 25 मार्च 2023 को अलग भाषाओं का यहाँ पर पेपर होने वाला है। और यहाँ पर सोमवार के दिन 27 मार्च 2023 को यहाँ पर दोस्तों अलग यहाँ पर विषय का यहाँ पर पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10वीं की यहाँ पर दोस्तों वार्षिक परीक्षा है 2023 यहाँ पर प्रातः 9 बजे से चलने वाली है, जो दोस्तों आपकी 12 बजे तक चलने वाली है। ठीक है, 9 बजे से आपकी यहाँ पर दोस्तों परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जो आपकी यहाँ पर 12 बजे तक चलने वाली है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का यहाँ पर दोस्तों टाइम टेबल देख लीजिए। तो यहाँ पर कक्षा 12वीं का यहाँ पर दोस्तों वार्षिक परीक्षा है 2023 यहाँ पर दोस्तों प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक चलने वाली है। और यहाँ पर कक्षा 12वीं का पहला पेपर गुरुवार के दिन 2 मार्च 2023 को हिंदी का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर शनिवार के दिन 4 मार्च 2023 को अंग्रेजी इंग्लिश का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर सोमवार के दिन यहाँ पर दोस्तों 6 मार्च 2023 को फिजिक्स अर्थशास्त्र यहाँ पर दोस्तों अलग अलग यहाँ पर विषयों के पेपर होने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर शुक्रवार के दिन 10 मार्च 2023 को बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर सोमवार के दिन यहाँ पर 13 मार्च 2023 को यहाँ पर दोस्तों अलग अलग यहाँ पर विषयों के पेपर होने वाले। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बुधवार के दिन 15 मार्च 2023 को यहाँ पर राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाले। और यहाँ पर शनिवार के दिन 18 मार्च 2023 को यहाँ पर केमिस्ट्री इतिहास व्यवसाय अध्ययन अलग अलग यहाँ पर विषयों के पेपर होने वाले। उसके बाद उसके देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मंगलवार के दिन 21 मार्च 2023 को मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर शुक्रवार के दिन 24 मार्च 2023 को यहाँ पर दोस्तों समाजशास्त्र मनोविज्ञान अलग अलग यहाँ पर विषयों के पेपर होने वाले। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख लीजिए सोमवार के दिन 27 मार्च 2023 को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अलग यहाँ पर दोस्तों विषय का पेपर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का पेपर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मंगलवार के दिन 28 मार्च 2023 को यहाँ पर दोस्तों भूगोल जियोग्राफी का पेपर होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर बुधवार के दिन 29 मार्च 2023 को यहाँ पर दोस्तों उर्दू मराठी का पेपर होने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका शुक्रवार के दिन 31 मार्च 2023 को दोस्तों यहाँ पर अलग यहाँ पर विषयों का पेपर होने वाले। और दोस्तों यहाँ पर शनिवार के दिन दोस्तों यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को यहाँ पर संसद का पेपर होने वाला। तो दोस्तों ये आपका पर कक्षा 12वीं का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2023 का यहाँ पर टाइम टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पर कक्षा 10वीं और 12वीं का दोस्तों वार्षिक परीक्षा 2023 का यहाँ पर दोस्तों टाइम टेबल जारी हो रहा है। और दोस्तों आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं का यहाँ पर टाइम टेबल की पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।